What problems are faced at the time of admission of a partner? Number one, calculation of ratios, done. Done. Number two, treatment of goodwill. Treatment of goodwill. What is goodwill? Goodwill is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner. Gaining partner to the sacrificing partner. तो जो नया partner admit हो रहा है वो तो gain कर ही रहा है, वो तो gain करेगा ही करेगा. Sacrifice कौन कौन कर रहा है वो आपको देखना है ratio calculation में. कोई और gain तो नहीं कर रहा, वो आपको देखना है ratio calculation में. But goodwill की concept treatment same है. It is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner. अब यार purchase goodwill sales unit please. ये सब बातें मैं दोबारा नहीं कर रहा. कौन सा AS है प्लीज अब तक पता होना चाहिए. नहीं पता तो फिर आप यहाँ पे होने ही नहीं चाहिए कि एडमिशन के स्टेज पे पहुंच गए, क्योंकि ये बात गुडविल में भी बताई थी, ये बात चेंज इन पीएसआर में भी बताई थी. कौन सा एएस है और परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती. काम की बात में आते हैं. एडमिशन में क्या क्या केसेस हो सकते हैं? चेंज इन पीएसआर में अलग ट्रीटमेंट, एडमिशन में बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट. कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सेम है कि goodwill is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner. But देने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं. सर कैसे? Change in PSR में तो वही partners थे, कोई नया थोड़ी ना आ रहा था. तो उन्होंने कहा कि यार पैसे कहाँ से और लाने, आपस में capital adjustment के through ही कर दो. मतलब capital के through ही कोई किसी को पैसे दे रहा है, कोई किसी के पैसे कम हो रहे हैं, कोई नए पैसे नहीं आ रहे. लेकिन अब तो नया पार्टनर आ रहा है, अब तो नया पार्टनर आ रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई साहब कैपिटल के साथ साथ कुछ और पैसे भी लेते आना, नया पार्टनर आ रहा है ना, तो उसको बेसिकली बोला जा सकता है. तो मैं कह रहा हूं मल्टीपल केसेस होंगे. क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं एक एक करके. केस वन, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली. व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, पेड प्राइवेटली मतलब बाहर बाहर से. पेड प्राइवेटली मतलब बाहर बाहर से. सर हमें कैसे पता चलेगा? हमें क्वेश्चन ही बताएगा, बट स्पेसिफिकली मेंशन होगा गुडविल वाज वैल्यूड एट दिस मच, इट वाज पेड प्राइवेटली. इट वाज पेड प्राइवेटली मतलब इन क्लियर टर्म्स लिखा होगा. तो प्राइवेटली मतलब बिजनेस के बाहर बाहर से ही पैसे आए नहीं, जो भी हो गई ट्रांजैक्शन बाहर बाहर से हो गई. नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री. सो व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस by the new or the incoming partner, by the gaining to the sacrificing partner. ऐसा भी हो सकता है कोई existing partner gain कर जाए. सर ऐसा हो सकता है कोई old partner gain कर, नया partner आ रहा है सर वो तो पहले zero था, अब तो जो उसका भी share है, कुछ भी share है, वो तो वो gain ही हो गया उसका, तो नया partner gain करेगा. ये बात तो समझ आ गई. But आप कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि पुराना partner भी gain कर ले. कहां से आ रहा है इतना profit share? क्या ऐसा हो सकता है कि पुराना partner भी gain कर ले? हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. आपस में उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा चेंज कर लिया कि कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है. पहले हमारा रेशियो था 1:1:1, नया पार्टनर आया अब हमारा शेयर है 5:4:1:1. चेंज हो गया ना ड्रास्टिकली. मैं कह रहा हूँ रेशियो चेंज हो गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. रेशियो इतना, मेरा शेयर अगर बढ़ जाए पहले से तो मैं गेनिंग पार्टनर हो जाऊंगा ना, मैं तो पुराना ही था. बट न्यू रेशियो ऐसा हुआ कि मेरा शेयर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पहले से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है उसको भी कुछ देना है. और भाई साहब आपका शेयर पहले से भी ज्यादा बढ़ गया. बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट टोटल गेन will always be equal to total sacrifice. क्योंकि शेयर तो बन ही रहेगा ना, शेयर तो 100% ही रहेगा. अगर 10% उसको दे दिया सर तो बचा 90%. तो आप पहले 100% तीन लोग बांटते थे, आप 90% बांटोगे तो कमी तो बचा आपके लिए. हाँ बेटा, अगर आपस में रेशियो चेंज ना होता तो अगर हम इक्वली बांट रहे होते तो 30-30-30 हो जाता. पहले जो 33.33 था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब तो मैं 50% लूंगा, आपको मिलेगा 20%, आपको मिलेगा 20%, उसको मिलेगा 10%. तो बढ़ा दिया ना शेयर, बढ़ सकता है. क्यों नहीं बढ़ सकता? बढ़ सकता है. बट क्वेश्चन में अगर ऐसा हो तो रेशियो कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा. आपको कुछ अलग नहीं करना, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू. अगर ओल्ड ज्यादा हो गया तो भाई साहब आप गेन कर रहे हो. क्या गेन नहीं कर सकता पुराना पार्टनर? कर सकता है. क्लियर है ये पॉइंट? इज goodwill is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner.
इन नॉर्मल सिनेरियो अगर उनका आपस में पुराने पार्टनर्स का रेशियो चेंज नहीं हो रहा और वो गेन नहीं कर रहे, तो गेनिंग पार्टनर एक नया ही होगा सिर्फ नॉर्मल सिनेरियो में, बट कोई भी हो सकता है. पॉइंट इज इफ द गुडविल इज पेड प्राइवेटली जर्नल एंट्री विल नॉट बी पास्ड फॉर गुडविल. फॉर गुडविल, गुडविल की एंट्री नहीं होगी व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली. कोई डाउट?